फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डोमेन अथॉरिटी क्या है और उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है और डोमेन अथॉरिटी आप कैसे चेक करें। मैं सैयद रमीज, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज के ये टॉपिक मैंने लिया है आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में न्यू है कि डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं, डोमेन अथॉरिटी क्या है, कि मोस्ट फ्री वर्जन में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट एसईओ का बेस्ट टूल है, जहाँ पर आप कीवर्ड वगैरह को रिसर्च कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, कंपटीटर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यह है मोस का वेबसाइट www.mos.com। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेफ्ट राइट साइड में इन्होंने टॉप पर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, और जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉगिन करवाएगा। और लॉगिन करने के लिए सिंपल है, आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। अगर आप तक के पास मोस का लॉगिन डिटेल्स नहीं है तो आप नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्रिएट एन अकाउंट, आप एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो यहाँ पर मैं आपका कर लेता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर देखेंगे हम कि मोज में आप क्या क्या कर सकते हैं फ्री वर्जन में। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, ये हमारा है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे मोज लोकल है, कीवर्ड एक्सप्लोरर है, लिंक एक्सप्लोरर है, एंड इसके आगे दिया है मोज बार एंड मोज लिंक एपीआई। सो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट लिमिटेड मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि लिंक एक्सप्लोरर क्या है। और देखिए, टॉप पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्री एसईओ टूल। तो फ्री एसईओ टूल पे आप करेंगे और आप क्लिक करिए लिंक एक्सप्लोरर पर। लिंक एक्सप्लोरर में क्या करेगा, ये आपके डोमेन का अथॉरिटी और डोमेन का आपका रेटिंग्स, बैकलिंक्स और बेसिक इंफॉर्मेशन जो डोमेन का है वो यहाँ पर दे देता है। देखिए, उसके नीचे इन्होंने दिया है 10 out of 10 क्यूरी अवेलेबल 311, मीन्स मुझे एक महीने में मैं आई थिंक 10 क्यूरी ही रन कर सकता हूँ इस पर, 10 डोमेन ही चेक कर सकता हूँ। सो ये एक बहुत लिमिटेशंस है, बट फ्री में दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं हमारा डोमेन, आप यहाँ पर कंपटीटर का भी डोमेन ले सकते हैं और किसी का भी डोमेन लेकर आप चेक कर सकते हैं। देखिए, वो भी मैं दिखाता हूँ। और डोमेन लिखने के बाद जस्ट आपको करना है एनालाइज पे क्लिक। यहाँ पर देखिए, ये डोमेन अथॉरिटी बता दिया जो कि 12 दिखा रहा है, नंबर ऑफ लिंक्स डोमेन कितने हैं वो दिखा रहा है, इनबाउंड लिंक कितने हैं, रैंकिंग कीवर्ड्स कितने हैं। आप इस पर क्लिक करते जाएंगे वो आपको आगे का इंफॉर्मेशन दिखा देगा। देखिए, डिस्कवर्ड एंड लॉस्ट लिंकिंग डोमेन्स न्यू डिस्कवर्ड टोटल 19 हुए हैं, और 7 डोमेन्स जो है लिंक्स से वो लॉस हुए हैं, टोटल नेट जो है 12 प्लस हुए हैं, ये दिखा देता है। इसके आगे मेट्रिक्स ओवर टाइम्स, जो डोमेन का अथॉरिटी है वो लास्ट एक साल में कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ये ग्राफ यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पर पेज अथॉरिटी भी है, अगर आप पेज अथॉरिटी पे क्लिक करते हैं तो पेज अथॉरिटी का वैल्यू भी ये बता देता है। और उसके अलावा आप लिंकिंग डोमेन पे क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ डोमेन किस तरह से लिंक्स बढ़ते जा रहे हैं, जो भी आप बैकलिंक्स बनाते हैं वो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देगा। उसके नीचे जाएंगे तो आपको टॉप फॉलोइंग लिंक्स और टॉप पेज लिंक्स ऑन दिस साइट, कौन से पेज पे ज़्यादा लिंक्स हैं वो भी दिखा देगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिंकिंग डोमेन डीए, मेरे कितने डोमेन्स ऐसे हैं जिसका डीए ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो 4 दिखा रहा है हाईएस्ट 91 to 100 का, और उसकी तीन उसके बाद जो है 81 to 93। सो इस तरह से जो मेरे डोमेन्स लिंक्स हैं, जो बैक लिंक्स बनाए हैं, वो किस क्वालिटी के हैं, 1 to 0 में 36 हैं एंड 11 to 20, 37 है, और 21 to 30 डोमेन जिसका डीए है उसके बैकलिंक्स मेरे पास 46 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये पूरा मोज का टूल है, और कौन सा एंकर टेक्स्ट पे बैकलिंक बने हैं वो भी यहाँ पे बता देता है, और सेम चीज़ हम कंपटीटर का भी चेक कर सकते हैं। सो ये है दोस्तों, यहाँ पर अभी आप हम क्लिक करेंगे लिंकिंग डोमेन पर, सो 150 डोमेन्स जो है वो दिखाएगा। यहाँ पर देखिए, पेज अथॉरिटी 26 दिखा दिया, लिंकिंग डोमेन दिखा दिया, टोटल बैकलिंक्स कितने हैं इनबाउंड और फॉलो वाले। सो यहाँ पर ये एक लिस्ट इन्होंने दिखा दिया, एंड ये प्रो वर्जन नहीं है, ये फ्री वर्जन है, तो जिसमें मुझे लिमिटेशंस दे रहा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं देख सकते, बट आप फ्री वर्जन में भी ये सब देख सकते हैं। अभी अब दोस्तों हम चलते हैं इसके आगे हमारा कीवर्ड्स के, और कि कीवर्ड्स हम कैसे रिसर्च करें मोस के अंदर। तो मैं यहीं से मेरा कोई कीवर्ड्स
कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, तो फिर मैं एक नया कीवर्ड ले लेता हूँ जिसके थ्रू से मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। कीवर्ड ओवरव्यू में आपको जाना है, कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर कीवर्ड ओवरव्यू, और यहाँ पर हम लेंगे एक नया कीवर्ड्स जिसका वॉल्यूम, डिफिकल्टीज, ये सब सारी चीज़ें दिखाएगा। सो कीवर्ड्स में भी देखिए, मुझे 10 क्यूरीज में रन कर सकता हूँ, 10 कीवर्ड ही रिसर्च कर सकता हूँ फ्री ऑफ वर्जन में। एफिलिएट मार्केटिंग, और इसको मैं लेता हूँ कंट्री मेरा इंडिया, तो इसमें इंडिया, इसमें ऑटोमेटिकली क्लिकेबल नहीं है, मुझे सर्च करके नीचे जाना पड़ेगा। सो मैंने कंट्री सिलेक्ट कर ली इंडिया, और एनालाइज किया इस कीवर्ड को, इस कीवर्ड पर ये बताएगा कि क्या डिफिकल्टीज है। देखिए, इसका मंथली वॉल्यूम मोस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है 51 to 100, और कीवर्ड डिफिकल्टी 40, 64, एंड क्लिक थ्रू रेट 55% एंड प्रायोरिटी 41। इसी के नीचे आप अगर और देखेंगे तो कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स बताता है, एंड साथ में अभी टॉप पर कौन सी वेबसाइट्स आ रही है वो दिखाएगा, एंड जो टॉप वेबसाइट्स है उसका मेंशन अथॉरिटी क्या है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एसईओ मोस्ट के फ्री टूल्स में। सो दूसरे कीवर्ड्स भी हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग कंपनी। सो इसी थ्रू आप आपकी वेबसाइट्स का, आपके ब्लॉग को कीवर्ड एक्सप्लोरर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मोज आपको हेल्प करेगा फ्री वर्जन में। तो दोस्तों, अभी आते हैं हमारे प्रो टिप्स की और, जो कि डोमेन अथॉरिटी आप कैसे बढ़ाएं वो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा कि डोमेन अथॉरिटी आप आपकी वेबसाइट का किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो डोमेन अथॉरिटी जो बढ़ता है वो नंबर ऑफ बैकलिंक से है, और नंबर ऑफ बैकलिंक्स में भी कि आप कितने क्वालिटी, किस लेवल की डोमेन से आप बैकलिंक्स ले रहे हैं उसका अथॉरिटी क्या है, वही सारी चीज़ें आपको एसईओ में हेल्पफुल रहती हैं। बैकलिंक्स में वही डोमेन्स हेल्प करते हैं जिनका खुद का डीए अच्छा होता है। तो नंबर ऑफ बैकलिंक्स आप बढ़ाइए तो आपका डीए डेफिनेटली बढ़ेगा, और बैकलिंक्स बनाइए आपके होम पेज पर, आपके इंटरनल पेज पर बनाएंगे तब भी उस पर्टिकुलर पेज को बढ़ेगा, तो आप आपके होम पेज के बैकलिंक्स बढ़ाइए, आपका डीए उसी से बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, जल्दी से एक लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।